नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी प्लस के सेकंड रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, रिजल्ट में क्या हुआ है किसी को कुछ भी नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो यूपी बोर्ड ने कट ऑफ दिया था, उस कट ऑफ के हिसाब से जिन लोगों के ज़्यादा नंबर है उनका यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, और दोस्तों जिन लोगों के यहाँ पर कम नंबर है उनका यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हुआ है, सभी विद्यार्थी इसका पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, कुछ किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हम आपको ले चलते हैं, यूपी पुलिस ने जो कट ऑफ जारी किया था उस पर चलते हैं। दोस्तों यह रहा कट ऑफ यूपी बोर्ड द्वारा जो घोषित किया गया था, यानी कि जो नोटिस बोर्ड में डाला था यूपी बोर्ड का सेकंड कट ऑफ। दोस्तों इसमें कहा गया था कि यदि जनरल वालों के 215 नंबर रहेंगे तो वह क्वालिफाई होंगे, और ओबीसी वालों के यहाँ पर 204 नंबर रहेंगे तो वह क्वालिफाई हो जाएंगे, और यहाँ पर एससी वालों को यहाँ पर 172 नंबर पर क्वालिफाई किया जाएगा, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वालों को यहाँ पर 135 नंबर पर क्वालिफाई किया जाएगा। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर महिलाओं की, दोस्तों महिलाओं को 181 पर क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों नहीं हुआ है, जो पहले कट ऑफ डाल दिया था उस कट ऑफ के हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर ऐसा किया तो क्यों किया। दोस्तों आपको बता दें कि गर्ल्स के ऐसे बहुत सी गर्ल्स हैं जिनका स्कोर यहाँ पर 119 प्लस भी है, उनका यहाँ पर सिलेक्शन या फिर बोल सकते हैं एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो आखिर क्यों नहीं आया है, दोस्तों पहली जो कट ऑफ थी उसमें महिलाओं का यहाँ पर कट ऑफ डाला था 199 पॉइंट के समथिंग डाला था कुछ, ठीक है, लेकिन अब 181 डाला है, यानी तो दोस्तों यहाँ पर 190 भी हैं गर्ल्सों के नंबर तो उनको क्वालिफाई नहीं किया गया है। तो ऐसा आखिर क्यों किया गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी के। भाई दोस्तों बात करें ओबीसी वालों की, तो दोस्तों ओबीसी वालों के यहाँ पर 210 नंबर तक भी क्वालिफाई नहीं किया गया है। कुछ विद्यार्थियों के यहाँ पर 208, 207, 210 नंबर बता रहे हैं कि हमारे बिल्कुल करेक्ट नंबर हैं 208, 210, लेकिन उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। दोस्तों जनरल वालों की भाई ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा है, दोस्तों कुछ नंबर 215 से भी हाई हैंगे लेकिन उनका यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका नंबर कट ऑफ से भी कम है, उनका यहाँ पर क्वालिफाई या फिर एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो दोस्तों यह तो विद्यार्थियों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो यूपी बोर्ड ने यहाँ पर कट ऑफ जारी किया है उस कट ऑफ के हिसाब से कुछ विद्यार्थियों के नंबर बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब सभी लोग यह क्या कर सकते हैं, एक कुछ भी नहीं पता। दोस्तों यदि आप जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया आप लोगों ने तो आपका कुछ नहीं होगा। इसलिए दोस्तों जिन लोगों के भी यहाँ पर कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है प्लीज़ भाई सब एक साथ होकर खड़े होकर आवाज़ अपनी बुलंद करें, क्योंकि दोस्तों अभी नहीं किया तो बाद में फिर कुछ भी नहीं होगा। यदि आप अपना हक नहीं ले सकते तो फिर आप ज़िंदगी में भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों जिनका नंबर यहाँ पर कट ऑफ से ज़्यादा आ रहा है भाई दोस्तों सभी एक साथ मिलकर एक आवाज़ में बोलें कि आखिर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। हम लोग सभी आपके साथ रहेंगे, जितने भी विद्यार्थी लोग यहाँ पर हैं जिनका नंबर कट ऑफ से ज़्यादा आ रहा है, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, सभी लोग को एक साथ आना पड़ेगा जब भी कुछ यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यदि आप सभी लोग ऐसे ही चुप रहे तो ऐसे में कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ तक आने में बहुत ही मेहनत लगती है, हम जानते हैं और आप सभी लोग भी यहाँ पर जानते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है उसको फेस करके और यहाँ पर 215 नंबर से भी ज़्यादा लाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए दोस्तों यदि आपको यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो यह आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यूपी बोर्ड ने जो कट ऑफ डाला था उसके हिसाब से यहाँ पर जिस व्यक्तियों के कट ऑफ के हिसाब से नंबर हैं तो उनको तो क्वालिफाई करना ही चाहिए। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी कुछ करें ताकि यूपी बोर्ड आपकी बात सुन सके और फिर से जो रिजल्ट बना है उसको अपडेट कर सके, और जिन विद्यार्थियों के यहाँ पर कट ऑफ के हिसाब से ज़्यादा नंबर है उनको यहाँ पर क्वालिफाई कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। दोस्तों इस वीडियो को बस हम यहीं पर करते हैं समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी हमारी तरफ से नया वीडियो या अपडेट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए दोस्तों बाय।